सबको जय मसीह की। सो दोस्तों, आज की वीडियो का नाम है बाइबल पढ़ने के 5 फायदे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट है, परमेश्वर का वचन जागता है और विश्वास को मजबूत करता है। इसके बारे में बाइबल की आयतों को पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में पता चलेगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 17, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो तो आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट को पढ़ेंगे और हमारे अगले पॉइंट का नाम है आत्मा से जन्म। और आपको इसके बारे में पता चलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 6 से लेकर 8 तक, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उनका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। सो दोस्तों, जब भी आप परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं और वह आपकी अगुवाई करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में पता चलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 31, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन देते हैं और हमें विश्वास में मजबूत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे पॉइंट को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आशा देता है। और आपको इसके बारे में पता चलेगा रोमियो अध्याय 15 वचन 4, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। सो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें आशा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने पांचवे पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में पता चलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी देता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपके विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।